आप सभी एंड्रॉइड फोन तो इस्तेमाल करते ही होंगे। तो दोस्तों, आपने एपीके फाइल के बारे में सुना ही होगा या फिर देखा ही होगा। तो क्या आपको मालूम है कि यह एपीके फाइल क्या होता है, यह फाइल हमारे फोन में किस तरह काम करता है? तो दोस्तों, इसकी जानकारी मैंने इस वीडियो में बताई है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑन कर लीजिएगा, ताकि नई जानकारी के साथ नई वीडियो आने पर आपको तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, एपीके फाइल होता क्या है? तो दोस्तों, एपीके फाइल का फुल फॉर्म एंड्रॉइड पैकेज किट है। यह एक सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब कोई भी फाइल का फॉर्मेट। तो दोस्तों, कोई भी इमेज, फोटो, सॉन्ग या वीडियो है, उसकी प्रॉपर्टीज में आपको फाइल की फॉर्मेट दिखाता है। जैसे कि सॉन्ग की प्रॉपर्टीज में MP3 लिखा होता है, इमेज में JPG, PNG आदि फॉर्मेट लिखी होती है, उसको एक्सटेंशन कहते हैं। यानी कि JPG, PNG, वीडियो में MKV, MP4, वह एक्सटेंशन कहलाता है। तो दोस्तों, APK एक सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन होता है। अगर आप अपने एंड्रॉइड फोन में कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम आदि एप्लीकेशन हो गए, और कई सारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर के फाइल फॉर्मेट की जरूरत होती है। तो फॉर्मेट APK फाइल के रूप में होती है। अगर आप कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उसके लिए EXE फॉर्मेट होता है। एंड्रॉइड फोन में APK फॉर्मेट होता है। मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर को अपने एंड्रॉइड फोन में इंस्टॉल करना चाहते हैं, जिसे हम एप्लीकेशन कहते हैं, तो यह एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें हो सकती है? तो दोस्तों, उस एप्लीकेशन में ऑडियो, इमेज, उसका लोगो, लाइसेंस, कोड्स, सर्टिफिकेट्स वगैरह वगैरह होता है। तो यह सभी चीजें अलग अलग से बनाई जाती है। यह सभी चीज को एक साथ करनी होती है, यानी के इमेज, साउंड, लाइसेंस, कोड, सर्टिफिकेट आदि मिलाकर एक APK फाइल बनाई जाती है। APK फाइल का उपयोग एंड्रॉइड सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्ले स्टोर में जितने भी एप्स या सॉफ्टवेयर है, वह APK फाइल में ही होता है। तभी तो आपके एंड्रॉइड फोन में आसानी से चलता है। अगर आप गूगल के सर्च ब्राउजर में जाकर किसी भी एप्स की APK सर्च करोगे, तो आपको पूरी तरह से APK फाइल उपलब्ध हो जाएगी, और आप अपने एंड्रॉइड फोन पर उसे इंस्टॉल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखें, अगर आप किसी ऐप की APK गूगल सर्च करके डाउनलोड की है और आप उसे इंस्टॉल करके इस्तेमाल करते हैं, तो उस ऐप का डेवलपर के जरिए कुछ भी अंडर अनवांटेड प्रोग्राम इंस्टॉल करवा सकता है, जो आपके एंड्रॉइड फोन के लिए या आपके लिए भी घातक हो सकता है। इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि आप प्ले स्टोर से ही किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, क्योंकि प्ले स्टोर पर गूगल वाले आपकी सेफ्टी को ध्यान में रखकर सभी एप्लीकेशंस को टेस्ट करके रखते हैं। तो दोस्तों, हमें कभी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाकर किसी भी तरह की एप्लीकेशन को हमारे मोबाइल में, कंप्यूटर में या लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ कि यह जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। यह जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि नई जानकारी के साथ नई वीडियो आने पर आपको तुरंत मिल सके। आपका धन्यवाद।